Hello everybody, welcome back to my channel. और हम ऐसे लग रहे हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में हैं. दिस इज रहीस, मिस्टर रहीस. और वी आर सिटिंग इन माई कार और हम पसीने से एकदम लथपथ हैं बिकॉज वी जस्ट गॉट बैक फ्रॉम द चिकन मार्केट. एज यू कैन सी देयर इज अ डर्टी बॉक्स, एक गंदा सा डब्बा पीछे रखा हुआ है. इसमें वी हैव 100 केजीज ऑफ चिकन. काफ़ी सारा सब्जेक्टिव वीडियो हो सकता है ये बिकॉज पीपल आर लाइक I receive messages like don't kill anybody and feed dogs and you are already taking someone's life. तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ आप इस बात को समझिए कि वेजिटेरियन होना बहुत अच्छी बात है. I totally support this. वेजिटेरियन होना इज़ अ गुड थिंग बट इट doesn't mean कि आप अपने डॉग्स को भी जो कि सेमी कार्निवोर होते हैं उनको आप नॉन वेज नहीं देंगे. इट्स लाइक कि एक शेर को अगर मांस नहीं मिलेगा तो वो क्या कैसे शेयर बनेगा. घास खा के तो वो बन नहीं सकता है. सो या दैट्स हाउ वी रोल एंड वी कंप्लीटेड 100K सब्सक्राइबर्स. हाँ अभी देंगे देंगे. यहाँ पे एक डॉग आ गया. सो वी आर गोना जस्ट स्टार्ट. तो वी हैव कंप्लीटेड 100K सब्सक्राइबर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था करने के लिए. मैं काफ़ी सारे रेस्क्यू वीडियो शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि व्हेनेवर वी रेस्क्यू तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब हमें टाइम मिल पाता है या तब जब हम कर पाते हैं अरेंज सब कैमरा या फिर कोई बंदा. तो इट्स लाइक दैट. सो वी आर जस्ट गोना रोम ऑल अराउंड इन दिल्ली जहाँ तक हम जा सके. वी हैव 100 kgs ऑफ चिकन. जो भी हमें डॉग मिलेगा हम उसको देंगे. हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाचार या जो वीक हो उसको ही दें. एंड आई हैवंट स्विच ऑन द AC बिकॉज द स्मेल इज जस्ट किलिंग मी राइट नाउ. तो या लेट्स सी कौन कौन मिलता है और किस किस को हम देने वाले हैं. यस लेट्स गो. आई विल ट्राई कि मैं कम से कम दिखाऊं चिकन को बट या दिस हैज टू बी इट. ओके उनको पता लग चुका है. सर लेके चला गया. अरे वहां पे जोड़ के आ गया. वो काफी सारा लाल तो ना थोड़ा सा. तो काफी सारे जो लोगों को लगता है कि हमें चिकन बॉइल करके देना चाहिए, पका के देना चाहिए डॉग्स को, तो उनके लिए यस यू कैन फीड देम बोनलेस. पर अगर ज़रा से भी आप बोन कुक बोन अपने डॉग को देते हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इट इज़ एक्चुअली वेरी टॉक्सिक. वो उनके इंटेस्टाइंस को ख़राब कर सकता है. वो उनकी किडनीज पर डायरेक्टली असर करता है और काफ़ी ज़्यादा गलत सीन होता है वो. इट इज़ एक्चुअली में वेरी बैड फॉर योर डॉग. तो आई प्रेफर रॉ देने के लिए. और लोगों को काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि डॉग बहुत कटकने हो जाते हैं और ऐसा होता है तो उनके लिए तो आई जस्ट हैव वन थिंग. आप नोई थिया था वो देख सकते हो वो कितने कटकने हैं, कितने अग्रेसिव हैं. वो कबूतर कौवा कुछ भी मेरे घर पे रेस्क्यू आता है वो बहुत नॉर्मली उनके साथ रहते हैं. एंड आई हैव रैट्स ऑल्सो, आई हैव कैट ऑल्सो. तो उनके साथ यू कैन सी वो कैसे रहते हैं. तो या अभी हम जा रहे हैं ऑन सम हाईवे क्योंकि हाईवे के डॉग्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बुरी हालत में होते हैं. उनको बेचारों को खाने के लिए नहीं मिलता है. तो वी आर जस्ट गोना गो देयर. लेट्स सी कितने डॉग्स मिलते हैं हमें वहाँ पे. We are just looking for the dogs over here. क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है और 3-4 बार पहले भी हमने उनको
फीड किया है एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर देम. जो भी डॉग दिखेगा हम सबको फीड करेंगे. हाँ हाँ चलो उसके पास ही चलो ना, देख के आते हैं. ट्रैकिंग दैट डॉग बहुत पहले से, तो फाइनली अब वो फाइनली अभी भी थोड़ा डर रहा है. वैसे हम उसको हाईवे से फॉलो कर रहे हैं. ही लुक वेरी वेरी थिन, पर अच्छी बात है वो खा रहा है. और कौवे हमें तब से फॉलो कर रहे हैं. ही इज एंजॉयिंग. फाइनली फाइनली वी आर एबल टू गिव हिम. हम डॉग्स को ढूंढ ढूंढ कर दे रहे हैं. काफ़ी सारे डॉग्स को तो दे चुके हैं. लेट्स सी. वन इज ओवर देयर. लेट्स सी अगर ये खाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि तब से. रोज आर फाइनली कमिंग ओवर हियर. We just saw a dog over there. काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर सा था वो. He just went somewhere. ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है एंड इट हैज़ बीन ओवर 25-26 किलोमीटर्स. मेरे घर से जहांगीरपुरी इज अ प्लेस और मैं बहुत ज़्यादा काला लग रहा हूँ, आई नो दैट. तो हम 25-26 किलोमीटर तो आ चुके हैं दूर. जो जो डॉग दिख रहा है उसको ढूंढ ढूंढ कर उसको खाना देकर आ रहे हैं. सो यस, वी स्टिल हैव सो मच ऑफ चिकन लेफ्ट. तो देखते हैं आगे, जितने भी दिखेंगे उनको हम देने वाले हैं. लेट्स सी. बहुत मज़ा आ रहा है वैसे डॉग्स को. Yeah.
जो हाईवे पे डॉग्स रहते हैं वो बेचारे ऐसे रहते हैं. यू कैन सी देयर कंडीशन राइट नाउ. वैसे ही हम इनको फीड करते हैं, इनका आज तो पेट भरते ही हैं. लेट्स गो. चलो मिस्टर रहीस. छोड़ दो. He's looking like a Labrador. खा तो ले बेटा. पे फेंको, एक एक दो फेंक दो इसको. अरे उसके पपीज हैं, उसके भी पपीज हैं भाई. वो थैला निकाल के ले आओ एक. Have gathered over us all around. They are being into circles over our heads. Look at their condition. Like, I don't know if I'm just feeding them. At least इनका एक time का पेट तो भर ही सकता है. Oh my God, he took one. एक और. Oh, my God. Oh, he took one. Just look at them. ये इतने सारे आ गए हैं हमारे ऊपर. Oh, nice. We found a dead puppy also. I just don't want to look at it right now. हम जा रहे हैं वहां पर. ये हाईवे पे हम थे अभी थोड़ी देर पहले, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा नाला है. और आज पपीज हैं यहाँ पर. ओके, शी इज हैविंग पपीज ओवर हियर. ओके बेचारी. और वहां पर एक बेचारा व्हाइट कलर का बैठा हुआ है, उसको हम सरप्राइज देने वाले हैं. अरे ओह नाइस. अरे मिस. नो वरीज. एंड वी सी वन ओवर देयर. ऑपोजिट सन के है तो इसलिए यू गाइस माइट नॉट बी एबल टू सी. अच्छा यहाँ पे और भी है. ओके, हियर इज वन ओल्ड एज वाला डॉगी. Thank you.
अरे अरे बहुत सारा डाल दो। ये सारा कूड़े का ढेर है। अरे डोंट वरी ब्रो, इनको बेचारों को बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम इनको फीड कर रहे हैं। There are so many, और हमने बहुत सारा चिकन फेंक दिया है यहाँ पे। And they are eating, finally they are eating. ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये डॉग्स बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, तो इसलिए वी डोंट वॉन्ट देम टू गेट स्केर्ड। हम जैसे ही पास जाएंगे दे विल गेट स्केर्ड। हमने इसे 2 मिनट पहले दिया था। He is now filled, all filled, और ये चिल करके जा रहा है। He is already eating, वो वहां से भाग कर आ गया लेकर, and he is eating now. अरे इधर 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 भी है, पीछे भी है, इधर इधर ही रहा है बेचारा, इतना पतला सा। Oh look, he's so happy. He is so damn happy. दे दो यहीं से, यहीं से दे दो, दे दो, दे दो. He is so happy. इनको यहाँ पर बिल्कुल खाना नहीं मिलता। As you can see, जितने भी डॉग्स हैं सारे बहुत ज़्यादा वीक हैं। उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं है और हम ऐसे फेंक फेंक के इनको दे रहे हैं। उसके बाद उसके बाद And they are fighting over chicken. इसे भागता हुआ आया था नहीं। Every dog is eating. वहाँ पर भी dogs are eating. यहाँ पर भी dogs are eating. यहाँ पर there is a lovely dog who is eating. And he is also eating. और वहाँ पर भी एक है. I'm not sure if he's eating. और eagles are also eating. यहाँ पर भी ये लेकर दाखिल हो रहा है। Everybody. Oh, nice. Oh, no, no, no. So bad, I और अब हम जा रहे हैं किसी दूसरी जगह। हमने बहुत सारा खिला दिया है। They all look kind of satisfied, है ना? क्या? नहीं, मैं नहीं मान रहा। कि ये बाय बोल रहे हैं सब। Really sorry to show you all this, but yeah, they are eating quite well, all of them. अगर मैं पेडिग्री लेकर आता बहुत सारा या फिर ऐसा ही कुछ लेकर आता तो
I'm sure ये लोग खाते नहीं. There are many dogs over here also. I'm sure ये लोग खाते नहीं अगर मैं pedigree या फिर royal canin लेकर आता, क्योंकि accept नहीं करते हैं. इन लोगों को I guess शायद कोई पहली बार feed कर रहा होगा, क्योंकि आप इनकी हालत देख सकते हैं. And that one is having some puppies over here. और हमारे ऊपर eagles भी हैं काफी सारे. They look quite happy. I am happy because they are happy. और अब रात होने लगी है. हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो कि हम अगर रोड पे कोई भी दिखता है इमरजेंसी केसेस में उनको देंगे, या फिर अगर कोई नहीं मिलेगा तो हम मेरे जो घर के पास है उनको देंगे. और अभी 30-35 किलोमीटर्स हम दूर है. There's a place called Buradi अराउंड ऐसे ही कुछ है. उसका ही हाईवे था ये पूरा, और यहीं पर हम हैं. एंड या That's it. Just thank you so much for the followers. And here is Mr. Rahis. Thank you so much. Just take care of your family, your pets, and yourself also. And be wild. Oh, मेरे ऊपर से eagles उड़ के जा रहे हैं.